ओके सो बच्चा बाड़ी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ हमने यहाँ पे देखो बोर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है उसमें हमने पढ़ा कि भाई साहब आपके रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स अराउंड द एटम बट देन मैक्स प्लैंक कन्फर्म दैट चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे एक्चुअली मूव दे रेडिएट एनर्जी और अगर ऐसे रेडिएट एनर्जी करते हैं तो दे विल फॉर्म अ स्पाइरल पाथ एंड फॉल। तो अब बोर ने क्या बोला कि भाई साहब ये जो ऑर्बिट्स हैं दे हैव अ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है, दे हैव अ फिक्स्ड एनर्जी, सो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स दे हैव अ फिक्स्ड एनर्जी। तो अपना भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एच लाइक एटम, ठीक है, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो यहां पे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, I की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, देखो अगर इलेक्ट्रॉन है, देखो I कैसे जनरेट हो रहा है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो बेसिकली कैसे ऐसे घूम रहा है भाई साहब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और भाई साहब जिसकी वेलोसिटी v है और ये ऐसे घूम रहा है एक रेडियस r में घूम रहा है अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, मूविंग चार्ज, सो हम यहां पे बोल सकते हैं मूविंग चार्ज के वजह से करंट जनरेट हो रहा है भाई साहब, लेट से करंट आई है, तो आई क्या हो जाएगा भाई साहब dq by dt that is rate of flow of charge। अभी यहां पे dq मतलब क्या है, जो चार्ज है उसका चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, ठीक है, dt मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है भाई साहब, टाइम पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन का टाइम, ठीक है, एक रेवोल्यूशन का टाइम, तो व्हाट इज टाइम पीरियड हो जाएगा भाई साहब आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन दैट इज 2 पाई r अपॉन v दैट इज वेलोसिटी, ठीक है, 2 पाई r अपॉन v, तो आपका भाई साहब v ऊपर गया तो i की वैल्यू कितनी आ गई, ev बाई 2 पाई r, क्या ये समझ में आ रहा है, ev बाई 2 पाई r वेर e इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई r इज बेसिकली द रेडियस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अभी m की वैल्यू क्या होती है, i इंटू ए, आपका हमने पढ़ा भाई साहब मोमेंटम, ठीक है, सॉरी अपना क्या कहते हैं मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का जो मोमेंट होता है वो कितना होता है, I इंटू ए, ठीक है, मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, भाई साहब पढ़े हैं ना कि भूल गए हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली I इंटू ए, ए क्या है आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो m यहां पे I की वैल्यू आपने क्या निकाली, ई वी बाई 2 पाई r, तो ई वी बाई 2 पाई r इंटू ए, ए क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे ई वी बाई 2 पाई r इंटू पाई r स्क्वायर, r और r भाई साहब कैंसिल हो गया तो आपका कितना आ गया ev r by 2, आर वी क्लियर, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ev r by 2, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आपका i इंटू ए, तो i की वैल्यू हो गई भाई साहब ev by 2 पाई r इंटू ए, ev by 2 पाई r इंटू पाई r स्क्वायर दैट इज ev r by 2, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बोलो, एंगुलर मोमेंटम इज r इंटू पी, r भाई साहब क्या हो जाएगा, R इज बेसिकली रेडियस और m p होता है आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है R इंटू पी, आप रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हो, R इंटू पी, पी इज बेसिकली वॉट लीनियर मोमेंटम, मतलब समझ लो कोई बॉडी अगर ऐसे घूम रही है, ठीक है, और ये उसकी वेलोसिटी है, तो ये लीनियर मोमेंटम किस जगह पे हो गया एम वी, ये हो गया आपका R, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा R इंटू पी, ठीक है, तो दैट विल बी R एम वी साइन 90, साइन 90 क्यों, क्योंकि भाई साहब आपके वेलोसिटी और R में कितना है एंगल 90 डिग्रीज का, ठीक है, R इंटू पी, तो ये हो जाएगा R एम वी साइन 90, तो L की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब एम वी आर, समझ में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब एम वी आर न्यूमेरिकली, ठीक है, मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं L mod इज इक्वल टू दिस एंड M वेक्टर mod इज इक्वल टू दिस, तो आपका M by L करेंगे तो कितना आ जाएगा ई वी आर बाई 2 बाई एम वी आर, तो एम बाई एल कितना आ जाएगा ई बाई 2 एम, हाफ ऑफ चार्जेस टू मास रेशियो, क्या ये समझ में आ रहा है, तो आपका मोमेंटम प्रोड्यूस आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई 2 एम, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस बाई अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस टू द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई 2 एम, यहां पे हम वेक्टर फॉर्मेट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फटाफट से भाई साहब आपका एक बार और
आई होता है आपका क्या, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाई टी, टी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई आर बाई वी, तो ई वी बाई टू पाई आर हो गया आपका आई, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इंटू ए, ए इज बेसिकली द एरिया वेक्टर, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपने आई की वैल्यू निकाली वहां पे ई वी बाई टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, सो व्हाट आर यू गेटिंग, ई वी आर बाई टू। तो मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम सिर्फ मॉड ले, मॉड अगर अपन लेते हैं तो ई वी आर बाई टू हो गया। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आर इंटू पी, दैट इज आर इंटू एम वी। अभी देखो आर भाई साहब रेडियस वेक्टर है और वी यहां पे, एम तो आपका स्केलर है, देखो एक्चुअली में क्या है, आर इंटू पी है ना, तो इस पी में आपका एम तो भाई साहब स्केलर है, ये वी आपका वेक्टर है, ये r इंटू वी अपन लिख सकते हैं, m को एक साइड में रख दिया, तो दिस विल बी r इंटू वी। अभी ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। r अगर आप देखोगे भाई साहब ये रेडियस है और v किस तरफ है, इधर, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में कितने का एंगल हो जाएगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 1, तो ये हो जाएगा m r v साइन 90, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, एम आर वी, ठीक है, एम आर वी, तो l की वैल्यू हो गई भाई साहब एम आर वी। तो अगर हम यहां पे करते हैं मॉड ऑफ m बाई मॉड ऑफ l, so this will be how much, e v r by 2 upon m v r, so this is going to be how much, ye ho gaya aapka e by 2 m, clear hai bhai sahab, are we clear on this one, theek hai, okay okay okay। magnetic moment, to magnetic moment, theek hai, the orbital angular momentum of an electron is an integral multiple of h by 2 pi, ye bohr ne prove kiya tha, m v r is equal to n h by 2 pi, hame abhi abhi dekha bhai sahab एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर, एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच बाई टू पाई, ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, एल दैट इज एम वी आर, दिस इज बेसिकली, और दिस इज बेसिकली व्हाट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपके शेल्स हैं, देखिए 1 2 3 4 विच आर ऑल्सो नेम्ड एज के एल एम शेल्स, तो आपका एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एज पर बोर्स मॉडल, ये वैसा बोर्स का मॉडल है, ठीक है, ओके। अभी अभी हमने क्या प्रूव किया, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एल दिस इज इक्वल टू ई बाई टू एम, तो अपन क्या लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, ई बाई टू एम इंटू एल, अगर हमने भाई साहब सिर्फ मैग्नीट्यूड को पकड़ा, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ई बाई टू एम इंटू एल, ठीक है, ओके। अभी एल की वैल्यू क्या आई है भाई साहब, एन एच बाई टू पाई, तो एम को हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई टू एम, एज पर बोर एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, सो दिस विल बी हाउ मच, एन E H by 4 pi m, ठीक है, m will be equal to N E H by 4 pi m। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने जो पहला मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है दैट इज E by 2 m, और बोर का जो पॉस्टुलेट है दैट इज m v r is equal to N H by 2 pi, उसको दोनों को कंबाइन करके हमको क्या मिला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाई N E H by 4 pi m। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाई एम इज इक्वल टू एन ई एच बाई फोर पाई एम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। बोर्स मैग्नेट्रॉन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, तो ये बोर का मैग्नेट्रॉन हो गया। बोर का मैग्नेट्रॉन मतलब अगर n की वैल्यू, तो अभी आपने क्या देखा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, देखो आपने ये देखा कि m बाई एल, आजा भाई साहब जल्दी, ठीक है, ये हो गया आपका m बाई एल, ये हो गया कितना e बाई टू एम, तो m की वैल्यू कितनी हो गई e बाई टू एम इन टू एल, और l की वैल्यू भाई साहब कितनी है एम वी आर, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू e बाई टू एम इन टू एम वी आर, ठीक है, या l की वैल्यू ये ऐसा लिख सकते हैं हम, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू e बाई, सॉरी m इज इक्वल टू e बाई टू एम इन टू एल, और बोर के हिसाब से l की वैल्यू कितनी है n h by 2 pi, so this will be e by 2 m into n h by 2 pi, तो ये हो गया आपका n e h by 4 pi m, है ना 4 pi m। अगर n की वैल्यू हमने 1 ले ली, ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं और पहला ऑर्बिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा e h by 4 pi m, ठीक है, e h by 4 pi m, इसी को अपन क्या बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, this is known as Bohr's magneton, e h by 4 pi m, ठीक है, this is related as Bohr's magneton। अभी आप इसकी वैल्यू डालेंगे अगर, तो e की वैल्यू हो गई 1.6 into 10 raised to minus 19, h की वैल्यू हो गई 6.626 into 10 raised to minus 34,
ठीक है, आपका 4π 3.14 और m की वैल्यू मतलब एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻³¹। ये सब तमाम कैलकुलेशंस अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा भाई साहब। दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हेल्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, बोर के जो पॉस्टुलेट्स हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही एप्लीकेबल हैं। बोर्स पॉस्टुलेट्स आर ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, तो बोर के जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं अगर हायर एटम्स में हम जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाते हैं, दे एक्चुअली फेल। ठीक है, खैर यहाँ पे दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हेल्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 9.27 × 10⁻²¹। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अभी मैग्नेटिक मोमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, अभी आई की वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई डी टी मतलब क्यू बाई टी, दैट इज क्यू बाई 2π/ω। ये आपका टी क्या होता है, टी इज टू, अगर हम टी की वैल्यू बेसिकली रेडियंस में निकाल रहे हैं, देखो अगर आप एक चक्कर मारते हैं तो यहां पे समझ लो ये एक चक्कर मार रहे हैं तो आपका एंगल वाइज आपने कितना कवर कर लिया, 2π, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। तो टी को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक टी हो गया भाई साहब लीनियर वेलोसिटी, दैट इज 2πr, लीनियर डिस्टेंस हो गया, 2πr आपका लीनियर डिस्टेंस हुआ और लीनियर वेलोसिटी, सो दिस इज लीनियर डिस्टेंस अपॉन लीनियर वेलोसिटी। और दूसरा है भाई साहब एंगुलर डिस्टेंस, दैट इज 2π अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। सो द टाइम पीरियड टी कैन बी एक्सप्रेस इन टू थिंग्स, ठीक है, व्हेन वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी द टाइम पीरियड कैन बी एक्सप्रेस इन टू एस्पेक्ट्स, वन लीनियर डिस्टेंस अपॉन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टी, आई की वैल्यू क्यू बाई टी, मतलब इसको अपन टी को क्या लिख सकते हैं, 2π/ω लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज qw/2π। एम की वैल्यू क्या है, आई ए, तो qw/2π × πr². ठीक है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, qω r² / 2। यहाँ पे सारी चीजें हम एंगुलर में ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी वही बात आ रही है भाई साहब, L इज इक्वल टू r × p, इसके पहले आपने क्या था, लीनियर में लिया था, अभी सब एंगुलर में ले रहे हैं। तो एंगुलर में अगर आप लेते हैं रोटेशनल मोशन में आपका कितना आता है एंगुलर मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू i × ω, वेर i इज वॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग बॉडीज की अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होती हैं, ठीक है, तो i × ω, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, mr² × ω। लेट्स से यहाँ पे एक रिंग की तरह ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हो गया आपका mr² × ω। तो m/L कितना हो जाएगा, qω r² / 2 mr², वही सेम देखो आ रहा है q/2m। तो चाहे आप एंगुलर तरीके से जाएं, चाहे आप लीनियर तरीके से जाएं, आपको m/L का जो रेशियो है दैट इज गोइंग टू बी e/2m और वी कैन से q/2m, जो whatever, ठीक है, ये आपका भाई साहब हो जाएगा। क्लियर है, आर बी क्लियर? सो वेदर यू गो लीनियर वाइज, क्योंकि आपने यहां पे क्या किया हुआ है, देखो आई ए लिया हुआ है, यहां पे आपकी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i × तो i की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, qw/2π, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट में i × a है, दैट इज करंट, तो करंट का वैल्यू डाला आपने qω/2π, और एरिया का हो गया πr², तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, qω r² / 2। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपका कितना हो गया, r × p एंगुलर मोमेंटम, ये जब हम करते हैं लीनियर वाइज, इसके पहले अपन ने लीनियर वे किया, अभी हम एंगुलर में अगर करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू iω होता है, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², तो mr² ω हो गया। m/L अगेन करने जाएंगे तो यहाँ पे आपका qω r² / 2 अपॉन mr² ω, कट पुट के भाई साहब वही q/2m आ जाएगा। तो आप लीनियर वाइज जाएं या भाई साहब आप एंगुलर वाइज जाएं, m/L इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, दैट इज e/2m और q/2m। ठीक है, आर बी क्लियर? ओके, रोटेटिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका समझ लो ये थोड़ा सा आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। यहां पे अगर समझ लो आप एक ऐसा चार्ज है, देखो ऐसा लीनियरली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसको भाई साहब आप घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज है, तो यहां पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, qω L² / 6। इसको डिराइव कर सकते हैं आप, आपको डिराइव करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रोटेटिंग रॉड, अगर आप किसी रॉड को लेकर ऐसे घुमाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किसी रोटेटिंग रॉड का भाई साहब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही यहां पे आ जाएगा, तो qω L² / 6 ऐसे निकला है। ठीक है, आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है ना, इसका mr² निकाल रहे हैं,
हर जगह पे एम आर स्क्वायर नहीं होगा, अलग अलग बॉडीज की अलग अलग एम आर स्क्वायर होती है। तो आपको ये जो वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे उस आई का सब्सिट्यूट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई यूनिफॉर्मली तो अगर किसी रॉड को आप एक एक्सिस पे घुमाते हैं तो उसका जिस तरह से आप एम आर स्क्वायर निकालते हैं वही निकाल कर अगर दिखाएंगे यहाँ पे तो एम इज इक्वल टू क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई सिक्स आएगा। ठीक है, अगर कोई स्पीयर है और स्पीयर को एक डायमीटर पे आप घुमा रहे हैं, स्पीयर को भाई साहब आप डायमीटर पे घुमा रहे हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर है और इसको आप डायमीटर पे घुमा रहे हैं, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से आपका एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, बाकी एम बाई एल का रेशियो सेम आएगा एनी बॉडी इरेस्पेक्टिव, आपका क्यू बाई टू एम ही आएगा। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहते हैं सो मैग्नेटिक मूवमेंट विल डिपेंड अपॉन द लीनियर आपका एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू तो ओमेगा ही रहेगी लेकिन आई की वैल्यू एज पर बॉडी एंड एज पर द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल चेंज। ठीक है, कैसा बॉडी है और कैसा रोटेशन है एक्सिस का उसके हिसाब से चेंज होगा, इसीलिए आपको अलग अलग वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे एम की। ठीक है, रोटेटिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रिंग है भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आएगा देखो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर। अगर डिस्क है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ डिस्क, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग डिस्क है ये। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग डिस्क में अगेन क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर। अगर आपका भाई साहब यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फाइव। एम बाई एल अगेन यहाँ पे वही रेशियो रहेगा क्यू बाई टू एम। ऑल दैट इज चेंजिंग इज मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज चेंजिंग बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू आई इंटू आपका भाई साहब आई इंटू एल। आपका भाई साहब जो आई का वैल्यू है आई इंटू ए होता है। ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका एल का वैल्यू चेंज हो रहा है, एल इज आई ओमेगा और आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज, अदरवाइज एम बाई एल का रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, ओके, तो आप देखो यहाँ पे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर भाई साहब कोई करंट कैरिंग लूप है, देखो दिस इज बेसिकली अ करंट कैरिंग लूप, यहाँ पे ए है और इसका भाई साहब है बी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क ऑन अ करंट, देयर विल नॉट बी एनी टॉर्क और फोर्स। तो देखो अगर अगर आपका ऐसा होता है कि एंगल बिटवीन बी एंड एम इज जीरो, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है आई इंटू ए। ठीक है, आई इंटू ए एरिया वेक्टर, तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे डिटरमिन करेंगे, करंट को ऐसे इनक्लोज करेंगे, तो आपका थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा वही एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो समझ लो भाई साहब ऐसा है करंट इसमें जा रहा है, ये जो आपका एरो है ये बेसिकली डिटरमिन कर रहा है करंट, तो आप देखो ये करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कैसे डिटरमिन करोगे, ये ऐसे इनक्लोज करो भाई साहब, ऐसे इनक्लोज करो तो आपका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, जिस तरफ एरिया वेक्टर होगा उसी तरफ आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई इंटू ए, आई तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ए आपका एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे भाई साहब किस तरफ है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, इस तरफ है, चलिए भाई साहब। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर आपने लिया है, ठीक है, सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पे कितना हो गया जीरो। तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी टॉर्क और फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज जीरो। उसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा, वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू मूव। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर है तो इट इज नॉट गोइंग टू मूव। ठीक है, क्लियर है, ओके भाई साहब, ओके, अरे ओके बोला ना भाई साहब, ठीक है, ओके, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में आपने पढ़ा भाई साहब, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम इंटू टू एल, सेम एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है बट मैग्नेटिक मोनोपोल विल नॉट एग्जिस्ट, दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ वॉट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या हो जाएगा आई इंटू ए, आप भाई साहब ए की वैल्यू कैसे लेंगे, करंट को ऐसे इनक्लोज करिए, थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वो आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर आई इंटू ए, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड ए इज बेसिकली द एरिया वेक्टर। ठीक है, ओके, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एच लाइक एटम, एच लाइक एटम मतलब जहां पे बोर का पॉस्टुलेट वैलिड है, बोर का पॉस्टुलेट अगर वैलिड है तो इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एन एच बाई टू पाई,
वहां पे ही ऐसा आपको ई बाई टू एम लिखेगा, मतलब जैसे हाइड्रोजन के आजू बाजू जो एटम्स हैं, लिथियम हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन खुद हो गया, ये हाइड्रोजन के आजू बाजू जो एटम्स है वही इसको फॉलो करेंगे। फॉर हायर एटम्स ऑब्वियसली बोर्स पॉस्टुलेट आर नॉट एप्लीकेबल, बोर के पॉस्टुलेट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हम वी से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, दे आर इन टू क्लाउड्स, वहां से क्लाउड का कॉन्सेप्ट चालू होता है, ठीक है। बट लोअर एटम्स में जहां पे विच आर हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, बोर्स पॉस्टुलेट इज एप्लीकेबल, दैट इज एम वी आर, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, और जहां पे ये एप्लीकेबल होता है वहीं पे आपका एम बाई एल का रेशियो ई बाई टू एम आएगा, दूसरे एटम्स में नहीं आएगा। अगर आपको पूछ लिया भाई साहब सोडियम एटम में ये वैलिड होगा कि नहीं, तो द आंसर इज नो, इट विल नॉट बी वैलिड, इट इज ओनली एप्लीकेबल रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एच लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन के आजू बाजू जैसे एटम्स हैं उसमें इस तरीके का रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। तो आपका देखो भाई साहब ये हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आपका जीरो हो गया तो द फोर्स और द टॉर्क विच इज एक्सपीरियंस बाय दिस कॉइल विल बी जीरो, ठीक है, विल बी जीरो, ओके। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम यहां पे टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। सो आपका देखो ये करंट कैरिंग लूप है और लेट्स से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई साहब, इस तरफ है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे आई डी बी और यहां पे आई डी बी, इस तरफ का टॉर्क लगेगा, ठीक है, दिस इज बेसिकली टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट दिस, अभी देखो अगर समझ लो ये वाला टोटल लेंथ कितना है, ए है, द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज ए और द लूप इज ए, तो बट ऑब्वियसली बात है भाई साहब यहां पे कितना टॉर्क लग रहा है, आई इंटू डी बी, दैट इज जो भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सो व्हाट एवर मैग्नेटिक फील्ड इज एप्लीकेबल हियर, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं भाई साहब ये हो गया आई इंटू डी बी इस तरफ लग रहा है और आई इंटू डी बी इस तरफ लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये आई इंटू डी बी मतलब क्या है, आई आपका क्या है, करंट जो जा रहा है इस लूप में, ठीक है, तो यहां पे आपका डी बी क्या है, डी आई बी बी क्या हो गया भाई साहब, ओके। देखो मैग्नेटिक मोमेंट है एक्चुअली, यहां पे आई करंट है, बी इंटू बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। सो दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपका कितना है, ए है, तो अगर ये ए है तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन कितना होगा, ए बाई टू, ये वाला पोर्शन कितना होगा, ए बाई टू, ठीक है, ओके। अभी अगर हम इसको देखें, लेट्स से दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब आपके मैग्नेटिक फील्ड से इस कॉइल का जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर हम यहां पे ए लिखें यहां पे तो ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन ये आपका बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो ये बेस अपॉन हाइपोटन्यूज कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका ए बाई टू, इतना तो आपका ए बाई टू है, तो ये बाई टू कॉस थीटा हो गया, ये ए बाई टू साइन थीटा हो गया, सिमिलरली ये वाला ए बाई टू कॉस थीटा हो गया, ये वाला आपका ए बाई टू साइन थीटा हो गया। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स नेट कितना हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो मतलब देखो इधर वाला फोर्स, फोर्स इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर वाला फोर्स, फोर्स इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो द नेट टॉर्क विच इज एप्लीकेबल विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स एफ लग रहा है और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई साहब, ए बाई टू साइन थीटा, यहां पे भी एफ बाई ए बाई टू साइन थीटा, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एफ ए साइन थीटा आ जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आई बी बी, ठीक है, आई बी बी बेसिकली आपका हो गया, देखिए आपका एफ क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है, बी आई एल साइन थीटा होता है, ठीक है, तो आपका यहां पे अगर हमने मान लिया कि साइन थीटा की वैल्यू 90 है तो आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू आई इंटू एल, ये आपका क्या है, करंट का डायरेक्शन है एल, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे एल का वैल्यू कितना हो गया है, आई ए ना, ठीक है, आपका बी, सॉरी देखो यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब करंट का लेंथ कितना हो जाएगा, यहां पे देखो बी दिया हुआ है, ये एक ऐसा कंडक्टर है, यहां पे स्पेसिफाइड नहीं दिया हुआ है, ये बी बेसिकली इसका इस तरफ लेंथ है, इस तरफ लेंथ है, ठीक है, बी इसका लेंथ उस तरफ है, ठीक है,
ओके सो यहां पे आपका कितना हो गया बोलो आई, तो ये पे हो गया आपका आई बी ए और यहां क्या है ए साइन थीटा, ये बी और ए क्या हो जाएगा एरिया, ये इसका ब्रेथ है, देखो इस तरीके का कंडक्टर है भाई साहब, द कंडक्टर इज लाइक दिस, सो द कंडक्टर हैपेंस टू बी लाइक दिस, ये ऐसा है ठीक है, ये वाला लेंथ जो है वो है बी, ठीक है क्लियर है, तो इस वाले पे कितना फोर्स लग रहा है आई बी डी बी, ठीक है, और इस वाले पे फोर्स लग रहा है भाई साहब आई बी डी बी, क्योंकि बी आई एल होता है ना, देखो समझो इस चीज को, आपका फोर्स हम पढ़ चुके हैं कितना होता है बी आई एल साइन थीटा होता है, अभी देखो ये वाले सेगमेंट पे ये वाला कितना लेंथ है आपका बी, आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई साहब इस तरफ है ठीक है, और भाई साहब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसका जो बी आई एल है ठीक है, आई आई का पार्ट हो गया आई और यहां पे जो एल है ये एल कितना हो जाएगा दिस विल बी बी, तो बी आई बी और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका दिस इज बेसिकली दिस ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब इस तरफ है तो व्हाट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ऐसा है ये आपका बेसिकली दिस इज द फील्ड, यहां पे आपका फील्ड है, इसका इसके साथ कितना होगा 90 होगा ना भाई साहब, इसको 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 कैसे भी घुमाओ इसका तो हमेशा इसके साथ 90 रहेगा ना, देखो ऐसे है ये वाला बी, देखो ये वाला बी है, देखो इसको समझो ये आपका ऐसा है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ए और बी में सॉरी ए और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसमें थीटा एंगल है, लेकिन ये वाला सरफेस बी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनेगा ऑब्वियसली 90 एट व्हाटएवर एंगल इट इज, ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है कि भाई साहब फोर्स क्या होता है बी एल साइन थीटा होता है, यहां पे इस वाले सेगमेंट में जहां पे लेंथ कितना है भाई साहब बी है, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी आई करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट एल दैट इज लेंथ एंड साइन थीटा, तो बी की जगह पे बी आई की जगह पे आई और ये वाला लेंथ कितना हो गया बी ऑब्वियसली, ठीक है, और साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 90, दैट्स हाउ यू आर गेटिंग बेसिकली बी आई बी, ठीक है, तो इसको अपन भाई साहब आई बी बी लिख सकते हैं, ठीक है समझ में आ रहा है, ये दिस इज हाउ वी आर राइटिंग इट इज आई बी बी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ये वाला जो सेगमेंट है ये हमेशा बी ही बनाएगा 90 बनाएगा, ये वाला जो सेगमेंट है वो भी 90 बनाएगा, ठीक है, तो फोर्स तो भाई साहब इस तरफ लग रहा है, क्यों फोर्स इस तरफ लग रहा है बोलो, क्यों क्यों फोर्स इस तरफ लग रहा है भाई साहब, व्हाई इज द फोर्स एक्टिंग इन दिस वे, देखो फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, फोर्स की वैल्यू अगर बी आई एल साइन थीटा लिख रहे हैं आप, ठीक है, तो बी इज सॉरी फोर्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, आई एल साइन थीटा होता है ना, ठीक है, यहां पे किसके किसके बीच में आई, तो भाई साहब ये हो गया और यहां पे आपने क्या पढ़ा था एल इंटू बी होता है भाई साहब, एल इंटू बी वेक्टर वाइज, मतलब आप एल से बी की तरफ जा रहे हैं, एल आपका क्या है भाई साहब, सो एल आपका इस यहां पे आपका आई, ये ब्रेथ है, ब्रेथ इंटू बी है ना भाई साहब, ठीक है, तो ब्रेथ भाई साहब किस डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है, और भाई साहब ये ब्रेथ से आप ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हाउ आर यू गोइंग, तो आपका देखो इस तरीके का ये आपका ब्रेथ है और ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सो हाउ आर यू गोइंग, देखो आप समझो इसको, ये आपका ब्रेथ है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सो हाउ आर यू गोइंग, मतलब आपका इस अगर आप इसको इनक्लोज करोगे ऐसे, ठीक है, सो हाउ इज दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, ये ब्रेथ हो गया और ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सो हाउ इज दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, ब्रेथ से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां पे एल इंटू बी है कि बी इंटू एल है, एल इंटू बी है, आपने पढ़ चुका है, ठीक है, यहां पे बी इंटू एल नहीं लिखेंगे, एल इंटू बी होगा, तो एल इंटू बी अगर होगा तो आप कैसे जा रहे हैं यहां पे L into B में आप ऐसे जा रहे भाई साहब, ठीक है, यू आर गोइंग लाइक दिस L into B, तो आपका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और इसका फोर्स भाई साहब अपर डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे गलत दिखा है, ठीक है, दिस विल बी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और दिस विल बी इन द अपर डायरेक्शन, तो इसीलिए टॉर्क मूव होगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू मूव, ओके, तो आप अगर करेंगे भाई साहब यहाँ पे F into A by 2 sin theta, ये A by 2 sin theta समझ में आ रहा है, ठीक है, A by 2 sin theta, ये वाला लेंथ जो होगा वो A by 2 sin theta ही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका कितना है भाई साहब A by 2 है और ये वाला आपका कितना है थीटा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली थीटा, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं a बाई टू, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन a बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी a बाई टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई है, ठीक है, तो f इंटू a बाई टू साइन थीटा, f इंटू a बाई टू साइन थीटा, तो ये हो गया f a साइन थीटा, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई बी एल a साइन थीटा, तो आई ए बी साइन थीटा, सिर्फ रीअरेंज करके लिख रहे हैं इसको, ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब जो एरिया होती है, ठीक है, आई इंटू ए बी साइन थीटा, और अपन देख चुके हैं कि आई इंटू ए होता क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो इस आई ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट बी साइन थीटा, तो जो टॉर्क नेट एक्ट कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू एम बी
साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, अगर भाई साहब करंट कैरिंग लूप होता है तो ये आपका समझ लो ये जो बी है, देखो ये वाला बी है और ये वाला भाई साहब आपका ए है, ठीक है। सो यहां पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, आई ए बी, ठीक है। लेकिन आई ए बी में, ए और बी में क्या है, मतलब क्या कितना एंगल आएगा इसको अपन नहीं कंसिडर कर रहे। दिस विल बी एम बी साइन थीटा, टॉर्क नेट विल बी एम बी साइन थीटा, दैट इज एम इंटू बी, मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू बी, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू ए बी, ठीक है, और ये हो गया आपका B, तो M इंटू बी की तरफ जाएंगे। जैसे हमारा भाई साहब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो उसका भाई साहब टॉर्क क्या होता है, P इंटू ई, P हो गया आपका डाइपोल मोमेंट इंटू ई। वैसे ही आप देखो आपका जो मैग्नेटिक टॉर्क होता है वो भी M इंटू बी है, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, ठीक है। यहां पे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू ई है, वैसे ये वाला भी मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी है। टॉर्क इज मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क हेयर इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब करंट कैरिंग लूप में कितना हो जाएगा, एम इंटू बी, तो साइन थीटा ये हो गया भाई साहब आपका जीरो, तो आपका साइन थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, तो ये हो गया आपकी मिनिमम। टॉर्क क्या होता है, एम इंटू बी, साइन थीटा की वैल्यू वन, थीटा की वैल्यू 90, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एम बी, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180, तो आपका टॉर्क मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। फॉर अ लूप हैविंग एन टर्न्स, अगर कोई लूप है जिसमें एन टर्न्स हैं, ठीक है, ऐसे भाई साहब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टर्न, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क है क्या, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो आपका एम की जगह अपन क्या लिखेंगे, आई इंटू ए, ठीक है, बी की जगह अपने बी लिखा, ये एक का हो गया एम बी साइन थीटा, एक लूप का हो गया, तो अगर एन नंबर ऑफ लूप है तो एन बी साइन थीटा हो जाएगा, मतलब एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो आपका टॉर्क एक का होता है एम बी साइन थीटा, यहां पे भाई साहब एन नंबर ऑफ लूप्स का क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू अगेन एम इंटू बी, यहां पे एम की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू ए नहीं होगी, एन इंटू आई इंटू ए, हर एक का है आई इंटू ए, तो अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हैं तो एन इंटू आई इंटू ए, तो आपका भाई साहब टॉर्क हो जाएगा एम इंटू बी, ठीक है, ओके ओके ओके। अ करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल विल ओरिएंट सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स व्हाट, एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसको सब्जेक्ट किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, द कॉइल विल ओरिएंट सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्लाइंड एट एनी आर्बिट्री एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब एक कॉइल है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में, ये कॉइल है देखो, ऐसा कॉइल है, इसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है, ठीक है। द कॉइल विल ओरिएंट, ये ऐसे घूमेगा कि कहां तक घूमेगा, ये जब आपका टॉर्क जीरो हो जाए, और टॉर्क जीरो कब होगा, किसका, जीरो डिग्री, टॉर्क कब तक लगेगा, जब तक उसका भाई साहब टॉर्क जीरो ना हो जाए, और टॉर्क जीरो कब होता है, किसके किसके बीच में एंगल, किसके किसके बीच में एंगल, अब भी पढ़ा है तुम लोगों ने, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में जीरो हो जाए, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए, मतलब तुम्हारा ये है लूप, समझ लो ऐसे करंट जा रहा है, तो तुम्हारा एम किस तरफ है, इस तरफ है ना, मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा किस तरफ हो गया, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया, इस तरफ, तो मतलब जब कॉयल क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। सो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो तो आपका ऐसे में ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बिकम जीरो, ठीक है। सो अ करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल विल ओरिएंट सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स, सो दैट इट प्लेन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल का प्लेन क्या हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। सो आपका देखो कॉइल इस जगह पे ये रुक जाएगा, क्यों, तो ऑप्शन डी इज, हाँ, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जब आपका भाई साहब यहां पे देखो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ, और बी भी इस तरफ, तो अपने को मालूम है टॉर्क जीरो कब हो जाता है, जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए, ठीक है, और इसके लिए इसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। अ कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द टॉर्क कैन एक्ट ऑन द कॉइल, फोर्स कैन एक्ट ऑन द कॉइल, बोथ एनी बी कैन, नन ऑफ दिस,
कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है भाई साहब, ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा होगा, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा. एक कॉइल है भाई साहब, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है. फोर्स ऑन अ क्लोज करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. आपका भाई साहब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे भाई साहब ऑप्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क कैन एक्ट ऑन द कॉइल, तो टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल. ठीक है, अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी. मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब एक ही बातें हैं. ठीक है, 0.1 टेस्ला द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप कितना हो जाएगा भाई साहब, फटाफट से बताइए टॉर्क कितना होगा. एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा मतलब आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा. आई की वैल्यू कितनी 10, ए की वैल्यू कितनी 0.01 मीटर स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.1 टेस्ला. ठीक है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो भाई साहब यहां पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90. ओके, साइन 90 भाई साहब कितना हो जाएगा, जीरो. साइन जीरो हो जाएगा ना भाई साहब, क्योंकि यहां पे देखो इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है. आप सिंपल लो, यहां पे अगर ऐसे घूम रहा है ये, अगर ऐसे घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अपना मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ. मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, सीधा लिख दो भाई साहब जीरो. टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो. यहां पे आपसे यही पूछा है टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर. टॉर्क एक्टिंग विल बी जीरो. ठीक है, ओके. यहां पे भाई साहब दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर हैविंग 50 टर्न्स ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. भाई साहब यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला ही होता है. द कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी. मतलब कितना टॉर्क इस पे रिक्वायर होगा. देखो यहाँ पे 30 डिग्रीज है, सॉरी थीटा है. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर पे देखो ये क्या है, ऐसे जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सॉरी अपना मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना भाई साहब, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा. एम बी साइन थीटा अगर आपको करना है तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना है थीटा. देखो भाई साहब ये आपका लूप है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है. अभी इसका एरिया वेक्टर अगर मैं लूं, ये आपका एरिया वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो आपका एम बी साइन 90 माइनस थीटा. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है आपका भाई साहब समझ में आ रहा है. ये देखो यहां पे आपका ये टॉर्क है, ये आपका क्या कहते हैं करंट है, करंट इधर हो गया, तो एरिया वेक्टर किस तरफ हो गया, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हो गया आपका परपेंडिकुलर. ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा. ठीक है, तो आपका यहां पे भाई साहब लेंथ का वैल्यू कितना हो गया 0.12, विड्थ का वैल्यू हो गया 0.1. ठीक है, एन की वैल्यू हो गई 50, आई की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई इतनी एन आई ए बी साइन थीटा 50 इंटू 2 इंटू 0.1 टू 0.1 0.2 साइन 90 माइनस 30, तो ये हो गया आपका 0.2 न्यूटन मीटर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके. डिवाइस यूज टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट्स. आप लोग उस दिन चले गए थे, वो जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसके पास ये था, मैं शायद आपको दिखा देता था, लेकिन ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ही वॉज एक्चुअली यूजिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू टेस्ट एवरीथिंग. ओके, तो ये देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसको अपन MCG भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर से आप, तो ये काम कैसे करता है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, दिस इज बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ पोल, दिस इज अ मूविंग कॉइल, दिस इज अ मूविंग कॉइल. ये आपका आयरन कोर होता है, ये आपका मूविंग कॉइल है, ये आयरन कोर है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, बोथ वेज आर पॉसिबल. कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं नॉर्थ और साउथ पोल के. ठीक है, इसके बीच में भाई साहब इस तरह से ये टर्मिनल वन है एंड दिस इज टर्मिनल टू. टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे आपका क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई बिकॉज नॉर्थ से साउथ पोल जा रहा है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. सिमिलरली भाई साहब करंट किस एक्सिस पे है, भाई साहब करंट इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस. ठीक है, सो आपका भाई साहब इधर आपका, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में, देखो ये लूप है. ठीक है, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा कि नहीं, करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट भाई साहब ऐसे जा रहा है, ऐसे आओ ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, अगर ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एरिया वेक्टर, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है,
एरिया वेक्टर आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ. तो एरिया वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो आपका भाई साहब टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, तो दैट विल बी एन आई ए बी. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, एन आई ए बी हो जाएगा. एज कॉइल रोटेट्स द वायर स्टार्ट ट्विस्टिंग ड्यू टू विच अ रेस्टोरिंग टॉर्क. देखो अभी का क्या होगा, जैसे कॉइल रोटेट करेगा तो एक एंटी टॉर्क डेवलप होता है. ठीक है, ये रेस्टोरिंग टॉर्क है. जैसे समझ लो किसी रबर बैंड को आप खींच रहे हैं, तो उसमें भाई साहब जैसे आप उसको छोड़ोगे पट्ट से ऐसे हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है या रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है. जब आप किसी चीज को, किसी स्प्रिंग को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आपने कोई बच्चों का खिलौना देखा रहेगा, है ना, तो आप उसमें चाबी देते हैं, जब चाबी घुमाते हैं और चाबी को जैसे छोड़ देंगे तो वो आगे बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि उसमें रेस्टोरिंग टॉर्क, पहले आपने स्प्रिंग को वाइंड किया, स्प्रिंग को टाइट कर दिया, अभी जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो अनवाइंड होगा. तो एज सून एज देर इज अ टॉर्क विच इज डेवलप अगेंस्ट दैट देर इज अ रेस्टोरिंग टॉर्क विच डेवलप्स. ठीक है, तो यहां पे भी भाई साहब रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा. ठीक है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क कैसा डेवलप होगा, अभी टॉर्क की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, एन आई ए बी है. ठीक है, रेस्टोरिंग टॉर्क भाई साहब डिपेंड करता है कितने एंगल से आपने उसको घुमाया है. सो रेस्टोरिंग टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बाई विच यू हैव ट्विस्टेड इट. ठीक है, सो एज कॉइल रोटेट्स द वायर स्टार्ट्स ट्विस्टिंग ड्यू टू विच अ रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्स इन द वायर. ठीक है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, आई इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो ये सी जो है वो टॉर्शनल कॉन्स्टेंट होता है, स्प्रिंग्स में होता ही है जहां पे आप ट्विस्टिंग करते हैं. सो दैट इज बेसिकली अ टॉर्शनल कॉन्स्टेंट. ठीक है, सी आपका हो गया. तो रेस्टोरिंग टॉर्क आपका कितना हो जाएगा, सी इंटू फाइव द एंगल थ्रू विच यू हैव रोटेटेड इट. तो ये हो गया आपका टॉर्शनल कॉन्स्टेंट और सी फाइव. तो अभी देखो टॉर्क ड्यू टू करंट इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क. तो टॉर्क ड्यू टू करंट कितना है, एन आई ए बी साइन थीटा है. दिस विल बी इक्वल टू टॉर्शनल कॉन्स्टेंट सी इंटू फाइव द एंगल बाई विच यू हैव रोटेटेड इट. तो आई की वैल्यू आप ऐसे मेजर कर सकते हो, सी फाइव बाई एन ए बी साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आई की वैल्यू हो गई सी फाइव बाई एन ए बी. रेडियल फील्ड भाई साहब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेर इन द कॉयल्स प्लेन स्टेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन ऑल पोजिशन. तो ये आपका भाई साहब रेडियल फील्ड है. देखो ऐसा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये. तो आपका अगर रेडियल फील्ड है, देखो अगर इस तरीके का मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन टॉर्क ड्यू टू करंट विल बी टॉर्क रेस्टोरिंग फोर्स, एन आई ए बी विल बी इक्वल टू सी फाई, अगेन आई विल बी इक्वल टू सी फाई बाई एन ए बी. ठीक है, हेयर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, ग्रेटर द करंट ग्रेटर द डिफ्लेक्शन. ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है भाई साहब, उधर क्लास होगा चालू हो जाएगा.